अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइव इन मडियम में। तो कैसे हैं आप सब? मेरा सब हैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जो मतलब नेक्स्ट वीडियो होगी बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मम्मी बार बार इसमिना भाभी और अनफना उमरा करके वापिस आए हैं, तो जाहिर है कि अब खजूरें और अब हम लोग का पानी है वो सबको बांटना है हमने। तो आज ना मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ मम्मी की देवरानी की तरफ, यानी कि मेरी चची। तो आज आपको बहुत सी बातों पता चलेगा जो लोग मेरे से इतना कुछ पूछ रहे थे, तो आज ना आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं बस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से हर वीडियो तक पहुंचेगा। मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं जाके देखती हूँ कि मम्मी किधर है, मम्मी को रेडी करवाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है। नाश्ता बना के मैंने मम्मी को दे दिया है, नाश्ता मेरी खा के मम्मी रेस्ट कर रही हैं। तो सुमिना भाभी और हम सब ने मिलके ना, लाल ने मम्मी हम सब ने मिलके पैकिंग कर ली थी चीज़ों की। तो अब सब चीज़ें पैक हो चुकी हैं, अब सब अपनी तरफ मतलब जहाँ जहाँ हम जाएंगे के बांटने जाएंगे हम सब। तो मैं तुम्हें एक साथ जा रही हूँ मेरी देवरानी की तरफ, यानी कि अपनी चची की तरफ। तो मुझे कोई ज़रूरी काम था, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम जाकर ना ये चीज़ें भी ले आते हैं। तो जाके मैं अभी को देखती हूँ अभी कहाँ पे है। तो अभी को कहते हैं तैयार हो जाए हम जल्दी जल्दी। तो बस चले, अम्मी यहाँ पे बिजी हैं बच्चों के साथ। अम्मी हाँ जी, तो पता ना आपको जाना है हमने, हाँ, चीजें खराब ना हो जाए सारी, तो हमने जरूरी बांटना है सबको देना है। तो आज अम्मी अपनी देवरानी की तरफ जा रही हैं। तो अम्मी ने यहाँ पे अनफा को पकड़ लिया है और अनमोल इतना तंग कर लिया पीछे से। तो अम्मी बच्चों में बिजी रहती सारा दिन अम्मी, अब टाइम निकाल के हम चलते हैं अब चची की तरफ। तैयार होते हैं फिर चलते हैं, देखेंगे जी जिसके घर करीब होंगे सबको बचा देंगे। हाँ जाना, पिछले दफा अनमोल ने कहा था कि मैंने भी जाना है, तो हमने कहा था अनमोल जब ना मौसम चेंज होगा फिर हम लेके जाएंगे अनमोल को। लेकिन अब ना डिसाइड हुआ अनमोल को नहीं लेके जाना, बहुत तंग करती है ये। अनमोल को लेके जाना, जो चीजें साथ लेके जानी है ना, तो जी हाँ अम्मी मेरे रात की पैकिंग कर ली हुई है चीजों की सारी, मैंने एक जगह रख दिया जिन जिनको हमने देना है ना, तो उनकी सारी पैकिंग हो चुकी है। बस ना आपने रेडी होना है, कपड़े चेंज करने हैं, ठीक है ना, और मैं भी कपड़े चेंज करने लगी हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं आज कौन सा सूट पहन के जा रही हूँ और अनमोल नहीं जाएगी। अनमोल अपने नानू की तरफ जाएगी, ठीक है, चलो ठीक है। ये देखिए ये वाला सूट पहन के मैं जा रही हूँ, है ना अनमोल। अनमोल अभी भी मुझसे नाराज है, अब देखते हैं कब दोस्ती होती है हमारी। ये देखिए मेरा सूट, बहुत ही प्यारा सूट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अनमोल ने इसलिए दिखाया कि अनमोल को ये सूट बहुत पसंद है, कहती कि मैंने दिखाना है, मैं कहा दिखा दो, और लेकिन मेरे से नाराज़ है, अभी बोल नहीं रही और ना मैं से साथ लेके जा रही हूँ इस वजह से। ये देखें, ये आप लोगों ने देखा ही होगा इसका ये दुपट्टा है, नीचे ट्राउज़र है। जब पहनूंगी मैं आपकी पूरी अपनी ना लुक दिखाऊंगी। चलो ठीक है, रेडी होती हूँ मैं। चलें अम्मी आप भी हो जाएँ। तो चलिए जी, मैं रेडी हूँ, सूट मैंने अपना पहन लिया ब्लैक कलर में, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जा रहे हैं अम्मी की देवरानी के घर, के यानी कि अपनी चची के घर, वहाँ मेरी फ्रेंड भी है उससे मिलूंगी मैं। तो चलिए जी, ये पानी और खजूरें हैं और इसमें मैं रख दें चौपड़ में, और भी सबके हिस्से हैं, तो हम ना मतलब सबको साथ साथ देते जाएंगे। और अम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, अम्मी को मंगवाती हूँ आपसे, अभी आप आते हैं। अम्मी भी रेडी है, अभी कैब पहन ली, अभी वो कैब पूरा सूट कर रही है। चले ऐसा है कि हम ना जा रहे हैं उनके घर के पास पर, जिनका घर होगा ना वो हमें आके ना मेरे से ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही, मैं ज्यादा जगह पे नहीं जा सकती, तो हम ये सारा शोपर पर लेके जा रहे हैं सबको पानी। चलिए अम्मी हम चलो निकलते हैं। चलो तो चले जी, हम पहुंच चुके हैं अपनी चची के घर और अम्मी की देवरानी के घर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बारिक हो बहुत बहुत आपको ब्रेकी। अपना नाम बताए, बहुत प्यारा। तो बस
और भतीजा कहाँ है? भतीजा को मिला उधर। तो चल मेरी फ्रेंड किधर है? मेरी फ्रेंड आम ये बना देती है, इसे क्या बना देगी? बस ठीक है, अच्छा रहा बड़ा, सब कुछ सही से हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बड़ी खुशी की गल है, बहुत मुबारक हो। बस थकावट है, थकावट तो आराम से ठीक से होते हैं 4-10 दिन बाद। तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा आपने खिचड़ी खिलाई, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। ये बात आके थकावट दूर हो जाती है, मतलब फ्रेश हो जाती है, जाहिर है। हाँ बहुत ज्यादा लंबा सफर है। हाँ और आप सही सही सफर होना किस्मत में जब भी होता है, जो मर्जी कर दिखा था सफर सुबह हो जो मर्जी। ना पाँव में हारिश हो रही थी दोपहर को, कल तो आई फिर पता नहीं था आज हम ले जा रहे हैं। बस सफर बस पता होता, अल्लाह मेरे को पता होता। हाँ, लोकर दे टाइम में खारिश हो रही थी। सही चलो, सूट भी अच्छा लगा। हाँ आप लोगों ने स्टिच करवा के दिया तो अच्छे लग रहे हैं। देख लेंगे गर्दन की देख के। अच्छा साइज था, मतलब पूरा फुल सही साइज आया, देखो प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है दाढ़ी में भी है ना। हाँ कलर बहुत सही। चलिए ठीक है, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पानी। खाना खा लो पहले, मैं तो कहती हूँ। क्या हाल है आपका? ठीक हो? क्या हो रहा था? बिजी बड़ी हो आजकल, पेपर हो रहे हैं, इसलिए पेपर की टेंशन लगी हुई है। तो यहाँ पे ना अपना डिनर हम खाने लगे हैं। चाची ने क्या बनाया अब देखते हैं। अच्छा तो ये बेबी तुम्हारे लिए पानी और वो खजूर हैं, ये शुक्रिया मेहरबानी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दोबारा भी मैं कहती हूँ आपने याद रखा दो, बहुत चीजें दी, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारी तस्वीर, बहुत ही प्यारी तस्वीरें। और ये खजूर है और पानी की बोतल है बस। अब जब वो इतना ही मिल जाए बहुत होता है। और तो ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहरबानी आपने याद रखा। नहीं इसमें मेहरबानी की क्या बात है, सबको सबके लिए बस, जो जो जितनी हो सकता है सबके लिए लेके आए हैं बस। बस ये एक दुआ कर देनी थी बस, सबके लिए दुआएं की हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। और फिर मरियम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि आज चचा जान को दिखाएं, चचा जान तो दुनिया में नहीं, कहाँ से दिखाऊं बताएं। और मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ मेरी एक बेटी है खतीजा। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग कहते हैं ना आपका बेटा है या फिर वो कहाँ है, तो फिर चचा जान नहीं है जी, वो तो दुनिया से चले। वो ना जब मरियम के अब्बू होते हैं ना, उनसे 8 माह पहले वो होते, 8 माह के बाद मरियम के अब्बू होते हैं, 8 माह पहले वो गए हैं। दोनों भाई ना बस एक ही साल में गए हैं, बड़ी मोहब्बत थी ना दोनों में। अब ना फिर हम बस थोड़ी देर में चलते हैं, फिर आएंगे। इतनी जल्दी? हाँ बस जाना नहीं, नहीं नहीं फिर आएंगे, बस फिर आएंगे। ठीक है चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके अल्लाह हाफिज। ओके फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है अल्लाह हाफिज। तो चले जी हम आ चुके हैं, लॉक लगा देंगे अभी ऊपर से, लॉक लगा दें। अस्सलाम वालेकुम मेरी अनमोल, क्या हाल है? और मेरा छोटा पापा इधर खेल रहे और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। तो मैं आती किचन में आई हूँ और यहाँ पे हमारी प्यारी मम्मी अभी बहुत मेहनत कर रही है, खाना बना रही है। खाना खा के आए हैं, क्या बन रहा है ये? तो खाना है, ये क्या बन रहा है? अगर भूख लगी अम्मी को तो फिर अभी खा लेंगी। हाँ अभी काफी रात है ना, देखते हैं। और पीछे भी अपना सामान समेट रही है, जमीन लेके आएंगे साथ में सब्जी। हाय मोला, आपने मिस किया मेरे पप्पा को? जी हाँ, अपने मोल के लिए चीजें चीजें हैं मेरी। और मेरा ज़ियान क्या खाता है? मेरा ज़ियान बिस्किट खाता है शौक से, पता है ना। मेरी पप्पो हमेशा आपके लिए चीजें लेके आती हैं, हमेशा।
चिट्टा बाबा मेरा माशाल्लाह चिट्टा बाबा हाय। मेरी पप्पा आपको बहुत मिस कर रही थी, बताया आपको जब हम गए थे आपको पता नहीं था ना हम जा रहे हैं, है ना, अचानक चले गए थे वरना मॉल में जिद करनी थी जाने के साथ। तो ये देखिए अम्मी के आते ही बच्चे पागल हो गए हैं दादा के पीछे, जान को देखे और मोल को देखे, मोल भी मेरी पप्पा को इतना मिस कर रही थी। हैं दादू आ गई है आपकी? कर रहे हैं हम, दे सबको बांटना है सबके हिस्से। और यहाँ पे केक आ गया, केक किस अशोक बर्थडे का केक है? अशोक बर्थडे हो चुकी है? अच्छा खा ले अम्मी आप, तो आपको तो मन है खाना, आप खा रही है केक, खा ले फिर खाओ फिर। तो अशोक भी यहाँ बैठी हुई है अम्मी के साथ। चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ, दो दो केक हम खाएंगे, अब पहले भी खाया अब भी खाएंगे। तो अनमोल कभी हो सकता है कि मेरी फूफू आपके लिए चीज़ ना लेके आई हो, जहाँ भी जाए मेरी फूफू आपके लिए लाजमी चीज़ लेके आती है, मेरी फूफू आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये देखो अनमोल की चीज़ियाँ क्या अच्छी चीज़ी है। वेलकम। सॉरी मैं आपसे बात नहीं करती थी, मैं आपके बगैर ही रह जाती थी। अच्छा अनमोल मेरे बगैर ही रह सकते ना, हम अनमोल के बगैर रह सकते हैं क्या करें, है ना बोलो। हाँ। छोटी सी मर गई रही थी, छोटी सी इतनी बली होगी माशाल्लाह से, अब तो स्कूल जाती है। आई लव यू अनमोल, आई लव यू माय अनमोल। तो अनमोल मेरी दोस्ती हो चुकी है, तो बहुत से लोग इतनी बातें कर रहे थे कि अनमोल आपके साथ ऐसे कर रही है, बच्ची है ऐसे कर लेती है। तो बच्चे ऐसे होते हैं जैसे वो देखते हैं ना, मतलब वीडियोस वगैरह बच्चे देखते हैं तो फिर वही सीखते हैं, ये मसला है सारा। और अनमोल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लाइक है, अनमोल की पोजीशन भी आई थी और मुझे रोज़ ए प्लस मिलता है अनमोल को, देखें लाइक है हमारे अनमोल, इंटेलिजेंट है। और निशादर हमारा ज्ञान भी इंटेलिजेंट होगा, स्कूल जाएगा जब, ठीक है ना। हाँ। तो आप जी खाओ अब, ठीक है, ठीक है, ज्ञान भी दे लिया आपने, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी फिर भी लाइक करें। तो सब तक ना सब जो भी चीज़ें थी पहुंच चुकी हैं, तो बस अब हम घर वापस आ चुके हैं। तो अनमोल के साथ बातें की, जान के साथ, सब ने हमको मिस किया बच्चों ने, और मैंने भी मिस किया बच्चों से। हम दूर रहे ना थोड़ी देर के लिए भी, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, चूँकि ज़ाहिर वो हमारे पास रहते थे इसलिए हम मिस करते हैं। कहीं भी जाना हो ना, मतलब जहाँ मैं गई हूँ तो मुझे अनमोल और जान की बहुत ज़्यादा याद आती है, और अल्फ़ा की भी, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं इसलिए। तो अनमोल भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बस मम्मी पापा ने चावल पकाए हैं, मटरों वाले पुलाव, बहुत मज़े का, अगर भूख लगी तो मैं खा लूँगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत करिएगा, क्योंकि वहाँ से मेरी हर न्यू वीडियो तक पहुँची होने इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ऊपर आपको रेडी मिल जाएगा। तो अब सब कहते हैं मेरी माँ इतना तेज़ बोलती है, मैं क्या करूँ, अब ब्लॉगिंग भी ऐसे होती है तेज़ तेज़ बोलने से। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और मेरी अनमोल को भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।